नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने एक नारा बुलंद किया, कांग्रेस मुक्त भारत। यह नारा निश्चित तौर पर कांग्रेस के ऊपर दबाव बनाने के लिए था। कांग्रेस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी थी, इसलिए कांग्रेस की जड़ें गहरी तो हैं, लेकिन आज की तारीख में कांग्रेस नेतृत्व जिस तरीके से काम कर रहा है उसके चलते कांग्रेस की स्थिति कमजोर हुई है। लेकिन कांग्रेस के अंदर आज भी कुछ नेता ऐसे हैं जो अपने बलबूते पर चुनाव जीत रहे हैं, इसलिए ऐसा कहना कि कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा संभव नहीं लगता। भले ही प्रदेश में एक पार्षद चुनाव जीत के आए, भले ही प्रदेश में एक विधायक जीत के आए, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की उपस्थिति तो रहेगी। यह बात अलग है कि पहले कांग्रेस के सांसद 5 बसों में बैठने की स्थिति में थे, आज की तारीख में कांग्रेस के सांसद 1 बस में ही बैठकर यात्रा कर सकते हैं। यह गिरावट निश्चित तौर पर कांग्रेस में आई है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया कि कांग्रेस मुक्त भारत, यानी भारत से कांग्रेस को मुक्त कर देंगे, भारत में कोई भी व्यक्ति कांग्रेस का नहीं दिखाई देगा, भारतीय जनता पार्टी यह करने में जब अपने आप को अक्षम पाने लगी तो उसने एक नई प्लानिंग की जिसमें कांग्रेस युक्त भाजपा हो गई। कांग्रेस के बारे में कहते हैं कि कांग्रेसी ही कांग्रेस को हराने का काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी है, कांग्रेसी नेता गुटबाजी को बढ़ावा देते हैं, कांग्रेसी नेता अनुशासन में नहीं रहते, या भारत में जितने दुर्गुण सुनाई पड़ते हैं उनमें से अधिकांश दुर्गुण कांग्रेसी नेताओं में पाए जाते हैं। जब इतनी सारी बातें भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक को मालूम है कि कांग्रेस में नेता है लेकिन कार्यकर्ता नहीं है, तो जो नेता भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं वह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनने नहीं आ रहे हैं, वह कहीं ना कहीं नेता बनने आ रहे हैं। और यदि भारतीय जनता पार्टी में नेता नहीं बन पाएंगे तो ये नेता जो कांग्रेस में किया करते थे वही भारतीय जनता पार्टी में करेंगे, यानी यही कांग्रेसी जाकर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। यदि यही कांग्रेसी इतने ही योग्य होते तो कांग्रेस को जिता लेते, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर बीते 20 वर्षों का इतिहास इस बात का गवाह है कि एक पीढ़ी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के समर्पण के चलते कांग्रेस की बूढ़ी हो गई। आज कांग्रेसी जिस तरीके से उछल उछल कर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं उसके पीछे यही कारण है कि अब उन्हें उनका बुढ़ापा दिखाई दे रहा है, और उस बुढ़ापे में वह नहीं चाहते कि उनके घर में सीबीआई आए, उनके घर में ईडी का छापा पड़े, उनके घर में लोकायुक्त का छापा पड़े, उनके घर में पुलिस पहुंचे, क्योंकि कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है उसमें यह दम नहीं है कि वह पूरे केंद्र में सरकार बना ले। देश के अंदर जो दूसरे दल हैं उनके सबके अपने अपने अलग राग हैं, अलग अलग गीत हैं, अलग अलग कहानियां हैं। पहली बात तो ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा है कि इंडिया गठबंधन मिलकर सरकार बना लेगा, यदि सरकार बना भी लिया तो चलाना बड़ा मुश्किल होगा। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और यदि आप विशाल खबर चैनल को देख रहे हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें।